बायोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, श्वसन चालू करते हैं, समझा देते हैं थोड़ा ना, तब उसके बाद आगे चलेंगे। श्वसन, आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में कि कोई भी व्यक्ति जीव जो है जीने के लिए क्या करता है, श्वसन करता है, वायु को क्या करता है, ग्रहण करता है। कोई भी जीव होता है अपने जीने के लिए क्या करता है, वायु को ग्रहण करता है। इसमें हम लोग मनुष्य हो गए, जीव हो गया, जंतु हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, ये सब क्या करता है, वायु को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे में हम लोग आ जाते हैं जीव में, तो जीव में मनुष्य आ जाता है, तो बिना जीव तो वायु के लिए जी सकता है नहीं, कभी ना जिएगा। जब तक उसको वायु चाहिए तभी तक क्या कर सकता है, जी सकता है। आप पूछा जाता है कि प्रश्न उठता है कि आखिर सर वायु जो है, मत मनुष्य होता है जो वायु को ग्रहण क्यों करता है, इसको भी जानना अति आवश्यक है, आखिर क्यों करता है। तो हम लोग जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसा थोड़े है कि भोजन खाली ग्रहण कर लिया और पचा दिया और ऊर्जा हमको मिल रहा है। आप पचाने का कार्य हो गया है, अब वो रख देता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर दे देता है हीमोग्लोबिन। कोई भी क्रिया होता है तो बोल देता है माइटोकॉन्ड्रिया अपने रखा रहता है, तो बोलता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि जाइए हमको ऑक्सीजन ले आइए। अभी बोलता है कि हम कहाँ से लाए, अभी सीधे देता है संदेश देता है हार्ट को, हृदय को। अब हृदय कहता है कि हमारे पास तो ऑक्सीजन नहीं है, हम कहाँ से देते, वो बोलता है कि सीधे जाओ फेफड़ा के पास है, वहाँ पे गोदाम है, वहाँ से तुम लेते आना क्या, तो ऑक्सीजन। इसलिए फेफड़ा को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का गोदाम बोला जाता है, या बाजार भी बोलते हैं, ऑक्सीजन का बाजार किसे बोलते हैं, फेफड़ा को बोलते हैं। तब अब और क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑक्सीजन का बाजार किसे बोलते हैं, फेफड़ा को। और कुछ देर पूछेगा तो एक नंबर बता देंगे। अब यहाँ से ये पूछेगा कि हीमोग्लोबिन, आप देखो हीमोग्लोबिन था, अब सीधे कहाँ जाएगा, फेफड़ा के पास, कि दीजिए हमको क्या दीजिए, ऑक्सीजन। अभी कहे कि ऑक्सीजन हम कहाँ से ले, अभी इसका कई क्रियाएं बनाया गया है नाक के माध्यम, सब लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आइए हम इसको चित्र बनाते हैं और चित्र के द्वारा समझाते हैं। चमक नहीं रह जाए ना, ठीक है ना। मान लो हम लोग का हो गया मुख्य द्वार, हो गया ना मुख्य द्वार, हो गया। अब इसी के नीचे सी आकार की, चित्र देते किसी किसी बनाया ना, इसको बनाना होगा। ये जो फेफड़ा होता है थोड़ा हम लोग का लंबा होता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है ना। ये जो फेफड़ा होता है थोड़ा छोटा छोटा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हृदय यहाँ पे लगा होता है, कहा लगा रही नहीं, इसकी अपेक्षा क्या हो रहा है, छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का हृदय के लिए जगह छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को वायु कोष लगी होती है, कई वायु कोष यहाँ पे क्या होता है, लगा होता है न, लाखों में वायु कोष पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, लाखों में वायु कोष, 13-15 लाख, लगभग 12 से 15 लाख इसमें बताया जाता है कि वायु कोष पाया जाता है। इसी प्रकार इसमें भी पाया जाता है, इससे ना जितने भी इसमें रहता है वायु कोष पाया जाता है। सबके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या चीज है सबके बारे में लिख देते हैं। ये जो हम लोग का होता है मुख गुहा के, इसको बोलते हैं नासिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासिका इसको बोलते हैं, नासिका बोलते हैं। इसी के नीचे आता है हम लोग का ग्रास नली, क्या आता है, ग्रास नली, ग्रास नली। अब इसी के नीचे होता है ट्रेकिया पाया जाता है, होता है ट्रेकिया,
ग्रास नली के ठीक ठीक इसको स्वर तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वर कंठ बोलते हैं, कंठ स्वर कंठ। आई जो होता है ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के खुद नीचे देख रहा है दो भागों में बढ़ जाता है वाई के उल्टे वाई के आकार में। क्या बोलते हैं कि उल्टे वाई के आकार में हाई उल्टे वाई के आकार किसे बनेगा? मान लो हाई से बना बना ना इसे कि एक पाइप आ रहा है, कौन आ रहा है? ट्रेकिया आ रहा है। और ट्रेकिया क्या हो रहा है? दो भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है? दो भाग में ट्रेकिया बढ़ जाता है। अब इसी के इस भाग को बोलते हैं ब्रोकोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंची या श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंची या इसको श्वसनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंची या श्वसनी। हिंदी में इसको श्वसनी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंची। ना ध्यान देना इसको ब्रोंची बी आर ओ एन सी आई होते हैं, बी आर ओ एन सी एच आई, बी आर ओ एन सी एच आई ब्रोंची होता है। ई जो होता है हम लोग का वायु कोश होता है। क्या होता है? वायु कोश, वायु कोश। इसी में हम लोग का गैसों का आदान प्रदान हो जाता है वायु कोश से। तो इसके बारे में सबसे अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। जैसे मान लिया हम लोग का क्या हो गया, नाक हो गया ना, मुख गुहा होता है, मुख्य द्वार गुहा खुद ऊपर का होता है, नाक होता है, और नाकी के अंदर क्या होता है हम लोग का? नासिका होता है न। अब इसी के नीचे हम लोग को पाया जाता है डायफ्राम। क्या पाया जाता है? डायफ्राम। डायफ्राम होता है, इसी को बोलते हैं डायफ्राम ना। वाय प्रथ होता है इसको, और तो खांच, ठीक है। इसकी पहली परत जो होता है इसको बोलते हैं वाय परत। क्या बोलते हैं? वाय परत। वाय परत बोलते हैं। और इस जो खाल होता है अवतल खांच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अवतल खांच। अवतल खांच अवतल की तरह होता है खांच, अवतल खांस। इसी को बोलते हैं जैसे अवतल खांस हम लोग का ऐसे होता है, होता है ना, ऐसी ना होता है हम लोग का अवतल खांस, इसलिए इसका अवतल खांस नाम धरा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का हृदय लगा होता है ना, इसलिए सुरक्षा के लिए दिया जाता है कि फेफड़े के इसमें बीच में रखा जाता है कि ना फेफड़ा को दिक्कत होगा ना हमको हृदय के। अगर कुछ ठोकेगा भी यहाँ पे पेशियाँ होती है, बहुत मजबूत पेशियाँ होती है, वासा की बनी होती है ना। तो जितने भी हम लोग को कोई मारता है तो कोई दिक्कत ना होता है, लेकिन यही पेशियाँ क्या करती है? कंट्रोल कर लेता है, कहता है कि रुक जाओ ना। जब हम हृदय पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कौन कौन सी पेशियां होती है। इसी को फ्लोरा भी बोलते हैं, इसी को फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं इसी को, इसी का नाम होता है फ्लोरा ना। अब होगा डायफ्राम के बारे में जानेंगे, उसी के बाद वायुकोश होता है, स्वर तंत्र, ग्रसना, ट्रेकिया, श्वसनी हो गया सब। ये को जो ट्रेकिया होता है ना इसी को बोलते हैं वात नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात नली। कई बार पूछ देता है कि वात नली, क्या बोलते हैं? वात नली ना, इसको ध्यान देना। इसी को बोल देते हैं हम लोग वात नली। जब हम लोग नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो नाक में हम लोग कई बाल होता है, देखा है कि नहीं? जो बाल होता है वायु को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो बाल जो होता है क्या करता है कि धूल कण को अपने में क्या कर लेता है? सुखा लेता है कि अंदर धूल कण न जाए। और ठीक ग्रसनिका होती है, ग्रसनिका के ठीक पीछे थोड़ा सा पीछे एक संश्लेषा नामक ग्रंथि होती है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है गिल्ला ना। अब उसे क्या होता है कि जब वायु का प्रवेश होता है तो जितने भी उसमें वायु जब हम ग्रहण करते हैं तो कई बैक्टीरिया धूल पर पाया जाता है। जितने भी हम लोग को वातावरण होता है कई बैक्टीरिया वो धूल कण, कितने नाइट्रोजन, कोई भी चीज प्रवेश करता है धूल कण। अब वहां पे जाकर क्या हो जाता है? सड़ जाता है। क्या चीज में? ग्रास नली में, सॉरी संश्लेषण नामक ग्रंथि में। अब वहां से जो चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ से क्या होता है कि सड़कर और बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? हम लोग को ऑक्सीजन सीधे जाता है फेफड़ा में ना। अब ग्रास नली के होते हुए जो ग्रास नली होता है हम लोग का, जो ग्रास नली होता है भोजन के लिए भी और वायु के लिए एक ही होता है ना। अब यहाँ पे एक
एपिग्लॉटिक पाया जाता है जो उसको अलग करता है, यहीं से अलग करता है ना, जब हम स्वर तंत्र हो गया और ग्रसिका होती है यहीं पे अलग होता है, एपिग्लॉटिक पाया जाता है। एपिग्लॉटिक जो काम होता है क्या करता है कि भोजन को ऐसे पाया जाता है, मान लो ये हो गया ना दो गो नली हो गया, ऐसे पाया जाता है। जब ऐसे होगा तो श्वसन नली में जाएगा हवा, जब ऐसे होगा तो खाना कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, अमाशय में जाएगा। अभी कभी कल क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति सोचने लगता है किसी के बारे में या कुछ सोचने लगता है, तो क्या होता है कि खाना दिमाग ब्रेन कहता है कि अब हम कहाँ जाए, अब इधर एपिग्लॉटिक बोलता है कि हम इधर घूमे या इधर घूमे। कभी कल क्या होता है कि खाना खा रहे हैं, जो पाचन शक्ति के नली क्या करता है बंद करता है, अभी सीधे चल जाता है किधर श्वसन नली में, अब उधर से फेफड़ा ताकते रहता है, देखते रहता है कि इधर क्या आ रहा है हमारे पास भोजन, हमारे तो हम वायु को ग्रहण करते हैं तो हमारे पास भोजन का कौन काम है। अब सीधे बोलता है कौन, फेफड़ा बोलता है, अभी बोलता है फेफड़ा किसे बोलता है, डायफ्राम से बोलता है कि ये चाचा देखिए इका हमारे पास आ रहा है, कौन आ रहा है, भोजन आ रहा है सीधे ना। अभी बोलता है कि डायफ्राम रुक जा नीचे ही से हम ताकत लगा रहे हैं ना, अब सीधे लेता है हवा को बटोरता है और इतना झटाक से मरता है तो ऊपर में क्या हो जाता है, निकल जाता है, हुटकी नहीं आता है। और कभी कल क्या होता है कि नाक बड़का होता है, निकल जाता है, उसी को बोलते हैं कि हुटकी आ जाता है ना। आगे हुटकी खाते वक्त होता है कि हम लोग किसी के याद में भी जाते हैं और खाना को ग्रहण करते हैं, ये टाइप एपिग्लॉटिक होता है, या इधर घूमे इधर घूमे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, जिससे पाचन शक्ति के ग्रासनली को बंद कर देता है, या इधर फेफड़े में आने वाला ग्रासनली को खोल देता है, इसलिए भोजन उधर जाता है, तो सीधे जाता है फेफड़ा बोलता है डायफ्राम से, डायफ्राम ही ताकत लगाता है, अपना हवा को भरता है, एक बाइक मारता है नीचे से, प्रेशर जब मारता है तो क्या होता है, तो हम लोग के नाक बगल मुंह बगल का होता है, जितने भी भोजन होता है बाहर निकलता है ना। अब इसी के मतलब कि ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया जो सी आकार की होती है, जो ट्रेकिया होता है सी आकार की होती है। अभी ट्रेकिया के सी आकार के होता है कि इसलिए कि जो मान लो ये पाइप हो गया हम लोग का, ये जो पाइप है, पाइप से क्या होता है भोजन जाता है, जब भोजन जाता है तो कभी कल तब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो कभी चपक सकता है तो कभी खुल सकता है, तो जो सी नमक जो सी आकार की जो ट्रेकिया होता है इसको क्या करता है चिपकाने से रोक लेता है, रोक लेता है कि जब हम सांस को लिए मान लो सांस खींचिए बंद ये छोड़े चपक भी सकता है और बाहर भी हो सकता है, होगा कि नहीं ऐसा तो हो सकता है, इसलिए उस सटने से क्या होता है बच जाता है, सी आकार के ट्रेकिया नाम पाया जाता है ना। अब वो ग्रासनली के बारे में जाएंगे, ट्रेकिया में स्वर तंत्र हो जाता है, हम लोग को एक छोटी छोटी स्वर ग्रंथि पाई जाती है जो आवाज जब टकराव इन दोनों के बीच में हो जाता है तो हम लोग को आवाज निकलता है, जैसे हम लोग स्वर तंत्र से ही क्या हम लोग का आवाज आ रहा है। अब स्वर तंत्र के बारे में जानेंगे, हम लोग के पास आता है कि जो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ची बोलते हैं श्वसनी बोलते हैं ना। अभी सीधे जो ट्रेकिया होता है वाई आकार की होती है, सीधे दो भागों में बढ़ जाती है, एक इस श्वसन इस फेफड़े के लिए और इस फेफड़े के लिए, मतलब फेफड़ा दो है, दो फेफड़े में बट रहा है तो दोनों में तो वायु जब करेगा इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, जब वायु इसमें भी आता है और इसमें भी आता है तो इस जो नली को बोलते हैं क्या बोलते हैं श्वसन नली, मतलब कि श्वसनी या ब्रॉन्ची बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्वसनी या ब्रॉन्ची बोलते हैं, कई बार ब्रॉन्ची देता है इंग्लिश में हिंदी में लिख देता है ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चिस मतलब इंग्लिश होता है, इसका हिंदी क्या होता है श्वसनी होता है। जो ब्रॉन्ची होता है कई लाखों में क्या होता है बटा होता है, ब्रॉन्चिस से वायु कोश कई लाखों में मतलब 12 से 15 लाख का होता है एक में पाया जाता है, एक में 15 मतलब कि 30 लाख लगभग माना जाता है कि जो वायु कोश है 30 लाख होता है। जो वायु कोश हम जब एक वायु कोश को जब खोलेंगे इधर, मान लो हम लोग का क्या हो गया वायु कोश हो गया, ये हम लोग का वायु कोश हो गया। अभी ये जो वायु कोश हम लोग का होता है, अभी इस वायु कोश के कारण ही हम लोग जैसे कोरोना आया था तो कोरोना किसे फेफड़ा को सीधे टैक कर रहा था कि नहीं, बोल रहा था कि फेफड़ा से क्या हो रहा है, जो कोरोना था जो फेफड़ा में जब हम लोग हवा को लेते हैं, हवा को लेते हैं तो क्या जो वायु कोश का जो काम होता है, जैसे हम लोग हवा लेते हैं तो नाइट्रोजन लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सब चीज़ का ग्रहण करते हैं। अभी क्या करता है कि ऑक्सीजन को अवशोषित करके और सबको क्या करता है लतिया के बाहर कर देता है। अभी क्या करता है कि फेफड़ा जो वायु कोश का काम होता है यही काम होता है कि जो ऑक्सीजन को क्या करता है ऑब्जर्व करता है हिस्सा है और सबको बाहर करता है। अब नाइट्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन तीनों आ रहा है इसके पास, किसके पास वायु कोश के पास।
आप जैसा ही इसमें क्या हो रहा था कि जो बेहतु हो रहा था वायरस था कोरोना वायरस, सीधे क्या करता इस पर हमला कर रहा था, बैक्टेरिया इसका हल्का करती इस पर हमला करता था, यहाँ पे क्या होता कि पानी भर जाता था, अभी अपना काम कर क्या करता था बंद कर देता था। अभी जब काम ही ना बंद करेगा तो अभी हम ऑक्सीजन को लेंगे, परिवर्तन करेंगे, कोई परिवर्तन हो रहा है, कितनों हवा लेंगे कोई परिवर्तन होगा, कुछ ना ये काम ही ना करेगा, इसलिए क्या होता था कि फेफड़ा में पानी भर जाता था। अब पूरा पानी जब भरता था तो जब हमारे शरीर में थोड़ा सा भी अगर बैक्टीरिया अगर चल जाता है, मृत बैक्टीरिया भी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर देता है तो कुछ सेकेंड के अंदर ही लाखों लाखों का करता है जन्म हो जाता है बैक्टीरिया का। मृत जीवी अगर निर्जीव भी बैक्टीरिया अगर शरीर में चल जाता है वह क्या हो जाता है सजीव हो जाता है, और लाखों लाखों सेकेंड सेकेंड में क्या करता है अपना रूप दूसरा रूप क्या करता है धारण कर देता है। उसी प्रकार हम लोग का होता है कोरोना में हो रहा था, कोरोना काल में आए समझ में कोरोना काल कैसा इफेक्ट कर रहा था ना। अब देखो तो वायु कोष का काम यही होता है हम लोग को कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा और सब करता है लतियाता है, अभी बोलता है कि आओ सब हवा का आओ, अभी सब हवा को ऑब्जर्व करता है, अब बोलता है कि एक झोरा रखा रहता है, बोलता है कि आओ ऑक्सीजन को करता है हम अंदर रखते हैं और सबको लतिया के बाहर करता है, अब बोलता है कि चलो जाओ। अब यहाँ से यहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड की यहीं से उत्पत्ति होता है, देखना कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होता है जब हम लोग का हीमोग्लोबिन क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया देता है हीमोग्लोबिन के ले जाओ ऑक्सीजन को, ब्लड को शुद्ध कर ले जाओ, शुद्ध करने के मतलब कि क्या करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड देता है, आई बोलता है कि जाओ फेफड़ा में फेफड़ा में जाओ और ऑक्सीजन और ब्लड हमको हमारे पास ले आओ जिससे हम अपना भोजन बना सके और तुम्हारे लिए ऊर्जा मतलब कि शरीर के लिए ऊर्जा दे सके, कौन बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो बोलता है कि हीमोग्लोबिन जब सही आता है तो इसमें प्रवेश होता है कौन CO2 का होता है ब्लड का होता है रक्त, मान लीजिए ना रक्त इसमें क्या होता है प्रवेश करता है, तो यहीं से हम लोग का इसमें क्या पाया आ रहा था ऑक्सीजन आ रहा था ना किसमें वायु कोष में, ऑक्सीजन इसमें क्या होता है ब्लड में समाहित हो जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बाहर निकलता है। अभी वायु को सीधे किसे देगा फेफड़ा को देगा, फेफड़ा कहेगा कि बच्चे बाहर निकल लो तारा इसमें कोई जरूरत वत ना है, अभी इसे क्या करता है बाहर निकाल देता है किसको कार्बन डाइऑक्साइड को, ऐसा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बाहर निकलता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर किसको देता है यहीं पे का किसको दे रहा है ब्लड के, जब यहां से जब हम लोग का ब्लड निकलेगा तो कैसा निकलेगा बताइए तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा ना, यहां से जो हम लोग का ब्लड निकला कैसा निकला ऑक्सीजन युक्त ब्लड निकला, जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहा था वायु कोष को दे रहा था सीधे ही चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, अभी बोला देखिए ऑक्सीजन क्या हो जाओ ब्लड में आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड चल गया था कौन आया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड का हो जाता है हमारे शरीर में आता है। आप देखो अभी बोलता है कि जो फेफड़ा बोलता है कि हमारे पास तो इतना ताकत नहीं कि तुम्हारे पूरे शरीर में ब्लड विदा करे, अब जो ब्लड कहता है कि हम तो भारी हो गए हीमोग्लोबिन, अब हमको ऑक्सीजन मिल गया, अब जिसको भोजन मिल जाता है तो भारी हो जाता है कि नहीं, अब चलने का मन ना करता है, अब फेफड़ा कहता है कि हमारे पास इतना ताकत ना है कि हम क्या करें तुम्हारे को पूरे शरीर में विदा करें, अभी सीधे कहता है कि अब संबंध बनाता है हृदय से कौन फेफड़ा, अभी सीधे अपने ब्लड को ऑक्सीजन ब्लड को किसको देता है फेफड़ा को देता है, फेफड़ा कहता है आओ तुमको लतियाते हैं खूब आराम से, अभी इतना जोर जोर से लतियाता है कि कहा तो पूरे शरीर से ऊपर से लेके नीचे तक चले जाता है का ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर तक का हो जाता है चले जाता है, इतना जोर से मतलब कि 120 की स्पीड से मारता है, जो हृदय हम लोग का होता है हृदय जो होता है ये कितना स्पीड से मारता है 120, आता कितना प्रेशर से आता है 80 के प्रेशर से आता है, कितना प्रेशर से 80 से ब्लड आता है 120 से प्रेशर से मारता है, समझ लो कितना प्रेशर से मारता है, कहता है कि आया है मतलब कि खा पी लेता है तो क्या होता है थोड़ा धीरे धीरे चलता है, ये बोल रहा है कि धीरे धीरे हम जाएंगे, मारता है इतना प्रेशर से जब भीड़ दे 120 के प्रेशर से मारता है पूरे शरीर तक, मतलब कि समझ लो यहाँ तो कपार हम खड़ा यहाँ पे है अब पंपिंग कर रहे पूरे हृदय पंपिंग कर रहा है कर तो पूरे यहाँ तक लाना है हमको हृदय, बहुत पतला पतला नस होता है जो ब्रेन होता है हम लोग को बहुत पतला पतला नस होता है, तो मारेगा तो कहीं रुक जाएगा तो कहीं चलेगा, इसलिए इतना स्पीड से मारता है कि तुरंत चौक जाओ कहाँ ब्रेन तक पाँव तक चले जाओ चारों तरफ कहाँ हृदय काम होता है खून को पंपिंग करके प्रेशर से मारना, हीमोग्लोबिन क्या करता है लेके चले जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन होता है कितने ऑक्सीजन को ले जाता है, एक दान में अपने पीठी पे लाद के 4 ऑक्सीजन को ले जाता है
हीमोग्लोबिन जो होता है, जो रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं, रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। अभी कितना ऑक्सीजन को ले जाता है? चार ऑक्सीजन को ले जाता है। कितना? चार ऑक्सीजन को लेके जाता है। कहाँ लग जाता है? पूरे शरीर में। और कहाँ लग जाएगा? माइक्रोकंडिया के पास। पढ़ा है 9th क्लास में माइक्रोकंडिया, कोशिका पढ़ा है, मतलब कि शरीर के, हमारी जो शरीर है पूरे कोशिकाओं से बनी होती है। इसी में घर देखें आप लोग तो घर ईंटों और मसालों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार जो हम लोग का शरीर है ये पूरा कोशिकाओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है, बना होता है। और कोशिका माइक्रोकंडिया कहता है कि माइक्रोकंडिया का बोलते हैं ऊर्जा, कोशिकाओं का पावर हाउस बोलते हैं। किसको? कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइक्रोकंडिया को। अब माइक्रोकंडिया बोलता है कि हमारे पास ऊर्जा ना मिलेगा तो कैसे करेंगे काम? अभी सीधे ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन युक्त गैस को माइक्रोकंडिया को देता है। माइक्रोकंडिया क्या करता है? जैसे मान लो हम लोग भोजन को ग्रहण किए, क्या किए कि ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं, C6H12 और O6 को जब हम ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन युक्त से जब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, ये माइक्रोकंडिया के पास पड़ रहा है, जान रहे ना कि किस प्रकार हम लोग को ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखो ऑक्सीजन आया इसके पास, किसके पास? माइक्रोकंडिया के पास। अभी अपना ऊर्जा बना रहा है, बनाने के लिए बोल रहा है कि ऊर्जा बनाइए। इसके पास ग्लूकोज, हम खाना ग्रहण किए तो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज पहले से हो गया प्राप्ति। किससे प्राप्ति हुआ? खाना ग्रहण किए तो ऑक्सीजन किससे जा रहा है? फेफड़ा से होते हुए कहाँ जा रहा है? माइक्रोकंडिया के पास जा रहा है ऑक्सीजन। अभी जो अब इसको तोड़ेगा तो क्या निर्माण होता है कि CO2+H2O जब ये अभिक्रिया करता है, तोड़ता है, तब प्लस का निकलता है ATP। अब ATP हम लोग क्या होता है? 38 ATP सीधे क्या निकलता है? 38 ATP निकलता है सीधे। आई जो निकलता है सीधे ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण देता है हम लोग। क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है। तो हम लोग का बैटरी चार्ज होता था, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं तू लोग का बैटरी चार्ज लगा क्या कर रहा है यहाँ पे पढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया होती रहती है, कई सेकेंड कई लगातार कई दिनों तक चलता रहता है यही प्रक्रिया है। समझ में? अब देखो तो आप पूछे कि जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया अभी कहाँ ले जाकर देगा? अभी सीधे माइटोकॉन्ड्रिया किसको देगा? हीमोग्लोबिन के। तुम ले जाओ किसको, कहाँ ले जाओ? फेफड़ा में। फिर ही फेफड़ा में हीमोग्लोबिन ले जाएगा सिरा के माध्यम से और धमनी के माध्यम से फिर ले कर देगा एकरा को। आई जो आप बचा हम लोग निकला वाटर बचा H2O। अब इसको निकालने की क्या किए तो वर्क किया जाता है तो गर्मी निकलता है पसीना, वही क्या हो गया H2O। समझ में? IIT पे क्या हम लोग का ऊंचा दे रहा है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कोई मजदूर आगे खेती कर रहा है, कोई काम कर रहा है, राइटर हो रहा है, तो लोग पढ़ रहा है, तो कोई भी वर्क कर रहा है, तो वही क्या होगा? ऊर्जा का दे रहा है तभी ना कर सकते हैं ना। ऊर्जा देगा तो हम लोग यहाँ बैठेंगे पढ़ाएंगे, कुछ किरण ना होगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड ना समझ में आया? कार्बन डाई ऑक्साइड है समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड ना हम लोग बाहर निकलते हैं नाक के माध्यम से, ऑक्सीजन का करते हैं, ग्रहण करते हैं, तभी सीधे नाक के माध्यम से बाहर निकल देंगे इसको ऑक्सीजन जल को क्या करेंगे, पसीना उसीना होता है, वाष्पीकरण इसका होता है, सीधे वाष्पीकरण तो शरीर के माध्यम से ग्रंथियों के माध्यम से क्या होता है, सीधे वाष्पीकरण हो जाता है। जो ATP 38 ATP ऊर्जा देता है सीधे हम लोग को बैटरी चार्ज हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं दिन भर वर्क करते हैं, काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो किसके माध्यम से? ATP ऊर्जा के माध्यम से करते हैं काम। आप बताइए कि इतना चीज समझ में आया? नहीं लिखा है भाई, चलिए लिखिए तब नासिक का लिखो, लिख लो, बना लो, फिगर बना लो। पहले इसको देखो समझाते हैं कि पहले बायोलॉजी लिखने के बाद चाहे सोशल लिखो, सोशल लिखने के बाद इसको इतना समझा देना ना, समझाने के पास वाई कोश लिखना, उसके नीचे लिखना वाई कोश इका है, वाई कोश है ना, इका है वाई कोश, इसको लिख देना वाई कोश है। और वाई कोश क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें प्रवेश कर रहा है, जैसे ही प्रवेश कर रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को हीच कार्बन डाइऑक्साइड को हीच रहा है, कॉमन वाई कोश हीच के सीधे प्रवेश क्या कर रहा है, CO2 ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर रहा है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या देता है, ब्लड निकलता है, तो ब्लड सीधे किसे देता है, हृदय को देता है, हृदय पंपी मारे सीधे धमनी तक पहुंचाता है, धमनी सीधे धमनी काम होता है, पूरे शरीर तक पहुंचाना, सॉरी हीमोग्लोबिन ले जाकर सीधे किसे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा की प्रक्रिया बता दिए कैसे होता है, समझ में? चलो बता लो,
लिख देना है कि हृदय का प्रेशर म 120/80 होता है, पूछेगा एग्जाम में तुलो का। टाइम है ना अभी, अभी 11:15 हो रहा है, स्कूल नहीं जाना है, ना जाना है। डायफ्राम के क्या विधि पता हुआ ना कि क्या करता है? अब देखो क्या होता है ना कि डायफ्राम किसी व्यक्ति का इतना लचीला होता है, मजबूत होता है, मजबूत भी होता है ना, लचीला भी। अब ध्यान दो, इसमें हवा भरता है, पंप ही मरता है। कोई व्यक्ति सुना हो कि दो ताला पर से गिर के मर गया, एक बाइक मर गया। अभी क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है ना कठोर होता है, मजबूत होता है, ठीक है, लेकिन कोई चीज ऊपर से गिरेगा तो टूटेगा कि नहीं? जब डायफ्राम एक वायु टूट रहा है तो वायु को उसमें बहुत सारी संख्या में हवा क्या हो जाता है, भर जाता है। अब फेफड़ा में जब हवा बहुत सारे भर जाएगा कई क्षेत्र में तो क्या हो जाएगा, फटेगा कि नहीं? अब फेफड़ा सीधे देता है वायु को, सबरा देता है ऑक्सीजन पूरे शरीर को, तब ब्लड वर्क सब करता है, फट जाता है, जिससे व्यक्ति का तुरंत मृत्यु हो जाता है। जब डायफ्राम फट गया, टूट गया, व्यक्ति का तुरंत मृत्यु हो जाता है, नाक वगैरह क्या होता है, सांस ब्लड आ जाता है। तो अभी ध्यान देना, जब किसी व्यक्ति का अगर नाक ब्लड आता है तो ध्यान देना कि उसका क्या हो गया, डायफ्राम। अभी हम लोग के फिलहाल में एक फूफे का डेट हुआ है, वो तो तला पे से गिर गए थे, तो हम देखे उनको गए थे देखने, तो क्या हुआ था कि डायफ्राम ही टूट गया था उनका, डायफ्राम टूट गया। डायफ्राम अगर किसी व्यक्ति को टूट गया तो तुरंत उसका मौत हो जाता है, समझ लो कितना प्रेशर में वायु को अंदर जाता है वायु। फेफड़े को बचाने के लिए और हृदय को भी बचाने के लिए ना। सुबह में कोई ना कहीं कैसे सामने पड़ती लोगों, लिखो नासिका पढ़े, लिखो पहले डाले उन्होंने नासिका किसी बात है ना, नासिका के बारे में जानेंगे। हो गया ना, लिखो नासिका सिद्र में, लिखिए नासिका सिद्र में, नासिका सिद्र में ऑक्सीजन छिद्र छिद्र, देखिए नासिका छिद्र में ऑक्सीजन युक्त प्रवेश करता है, नासिका सिद्र में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, नासिका सिद्र में ऑक्सीजन प्रवेश करता है और नासिका सिद्र के भीतर रोम या बाल होता है। मतलब ना बताए तुमको, समझाया ना कि जो बाल होता है धूल कण को अवशोषित कर लेता है। एक समय ऐसा होता है कि कोई कहता है काता निकाल के गोला गोला बना के ना बिकता है, काता नाम रख रहा है, नकटी नाम रखता है उसको, मतलब वो गोला बना के बिकता है, मतलब कोई ऐसा हंसने का बात ना वगैरह में है, वो क्या होता है उत्सर्जन, मतलब कि मानो उत्सर्जन के कार्य कर रहा है, क्या खराब चीज को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, निकाल दे रहा है एक बार, हो गया। बाल होते हैं, हो गया ना, जो धूल के कण तथा सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है, सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से
तथा सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है। सूक्ष्म जीवों को लिखें, सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है तथा इसके आंतरिक भित्ति तथा इसके आंतरिक मतलब इसी के थोड़ा सा अंदर थोड़ा तथा इसके थोड़ा सा अंदर लिखो तथा इसमें थोड़ा सा अंदर तथा इसमें थोड़ा सा अंदर संश्लेषा संश्लेषा लिखो संश्लेषा संश्लेषमा होता है संश्लेषमा नामक ग्रंथि संश्लेषमा नामक ग्रंथि गीला चिपचिपा द्रव छोड़ता है ना? जिसे वायु शुद्ध वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्म समझ रहा है कि लोगों को वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्म क्या करते हैं, इसमें चिपक जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाता है। लिख लो वायु, जिससे वायु शुद्ध हो जाता है, सूक्ष्म चिपक कर वायु शुद्ध होता है, इसलिए वो सूक्ष्म चिपक कर वायु शुद्ध हो जाता है। सूक्ष्म चिपक कर वायु शुद्ध हो जाता है ना, सूक्ष्म चिपक कर वायु शुद्ध हो जाता है। और कोई भी बैक्टीरिया धूल कण फेफड़े में प्रवेश होने से बच जाता है। कोई भी बैक्टीरिया धूल कण फेफड़े में जाने से बच जाता है ना। अब उसके नीचे क्या है, ग्रास नली है ना, ग्रास नली इसी को बोलते हैं, ग्रास नली हो गया ना, ठीक हो, ग्रासनली या इसको ग्रासनी बोलते हैं, वही बोलता है ग्रासनी। देखा तो कोई कन्फ्यूज मत करना, मतलब ग्रासनली नली मतलब वही हुआ जो वायु को ले जा रहा है, और ग्रासनी भी उसी को बोलते हैं, कोष्ठ में लिख लेना ग्रासनली या ग्रासनी हो गया ना। लिखो बोले वायु नासिका शीघ्र से कहाँ प्रवेश करता है, ग्रास नली में प्रवेश करता है। प्रेस करता है। देखो, जिससे ग्रासनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है,
एक श्वास नली में खुलती है, खुलती है नली में, खुलती है, खुलती है, खुलती है, जिसे ब्लास्टिक कहते हैं, जिसे ब्लास्टिक कहते हैं, जिसे ब्लास्टिक, जिसे ब्लास्टिस कहते हैं, जिसे ब्लास्टिस कहते हैं, ग्लास्टिस कहते हैं ना, जिसे ग्लास्टिस कहते हैं, लेकिन उसी में लिखना ग्लास्टिक कहते हैं। ग्लास्टिक एक कपास द्वारा, ग्लास्टिक एक कपास द्वारा, ग्लास्टिस एक कपास द्वारा, ग्लास्टिस एक कपास द्वारा बंद होता है, ग्लास्टिस एक कपास द्वारा बंद होता है, बंद होता है, ग्लास्टिस एक कपास द्वारा बंद होता है, जिसे एपिग्लास्टिक कहते हैं, कपास द्वारा बंद होता है, जिसे एपिग्लास्टिस कहते हैं ना, यही पर होता है एपिग्लास्टिक, मान लो इसी के नीचे होता है ना, एपिग्लास्टिक होता है कि इसको जब यही पे पाइप होता है, पाचन वाला चल जाता है, एक एपिग्लास्टिस, हिंदी में लिख लो एपिग्लास्टिक, ठीक है, एपिग्लास्टिक शायद इंग्लिश में लिखा है, एपिग्लास्टिक आते हैं ना, यही पे होता है, मतलब कि भोजन वाला क्या करता है, पाइप को अलग कहता है, और श्वसन वाला यही पे क्या करता है, अलग कहता है, श्वसन को अलग कहता है, भोजन वाला अलग कहता है। अब इसी के नीचे आप कान के लिए लिखेंगे ना, एपिग्लास्टिक आते हैं ना, जो भोजन को श्वसन नली से जाने से रोकता है, जो भोजन को श्वसन नली में जाने से, जो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वसन नली में जाने से रोक देता है, आप देखो ट्रेकिया लिखते हैं, लैरिक्स लिखते हैं, लैरिक्स मतलब कि जो अभी पता है ना, कंठ खुला वही बोला है, लिखिए लैरिक्स, या स्वर कंठ उसी को बोलते हैं, लैरिक्स लिखे लैरिक्स, इंग्लिश शब्द है सब, देखो ग्रास नली के आगे पढ़, आगे की ओर पढ़ने पर, ग्रास नली के आगे की ओर पढ़ने पर, ग्रास नली के आगे की ओर पढ़ने पर, आगे की ओर पढ़ने पर, आगे की ओर पढ़ने पर वायुमार्ग सीधा हो जाता है, वायुमार्ग सीधा हो जाता है, यहाँ से हम लोग वायुमार्ग सीधा हो रहा है ना, यहीं से ना वायुमार्ग हम लोग का सीधा हो जाता है, वायुमार्ग सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है, और इसके द्वारा, इसके द्वारा स्वर कंठ का निर्माण होता है ना, और स्वर कंठ का निर्माण होता है, कोष्ठ निकला ध्वनि ना, स्वर कंठ का निर्माण होता है, कोष्ठ निकला ध्वनि, मतलब ध्वनि का हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ध्वनि का निर्माण ना, ध्वनि का निर्माण होता है, तब लिखना ट्रेकिया, तब उसी के नीचे लिखो ट्रेकिया या वात नली ना, ट्रेकिया वात नली, ट्रेकिया या वात नली, ट्रेकिया या वात नली, वात नली हो गया। यह सी आकार की होती है, लिखो यह सी आकार की, यह सी आकार की होती है ना, उसके नीचे लिखे में चालू कर सी आकार की होती है, यह एक
यह एक लंबी चौड़ी और उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि देखो ये देखते हैं यहाँ पे उपास्थि की बनी होती है। यह एक लंबी चौड़ी उपास्थि की बनी होती है यह वायु को अपर्याप्त मात्रा में रहने पर भी यह वायु को अपर्याप्त मात्रा में रहने के बाद भी यह चिपकता नहीं है। वायु को अपर्याप्त मात्रा में रहने के बाद भी चिपकता नहीं है। शांत रहो। चिपकता नहीं है मतलब कि सिया करके कुंडली दिया है तो चिपके कब हो। मान लो हमें पाइप का है एक में लगा दिया सिया कर कैसे एक में हवा रहे चाहे न रहे चपकेगा कब हो ना चपकेगा। इसलिए इसमें सिया करके क्या होती है कुंडलिया होती है नली क्या होती है ना। तो यह वायु को अपर्याप्त मात्रा में रहे चाहे मत रहे हम सांस को हिंचते हैं तब ना चपकता है। अगर चपकेगा तो फिर सांस नहीं पाएंगे हम। अब उसी के नीचे क्या है हम लोग का ब्रांची है ना श्वसनी देखो श्वसनी या ब्रांची ब्रोंकाई भी इसी को बोलते हैं ना। ट्रेकिया के आगे जाकर या उल्टे वाई वाई लिखना पहले ना फिर उल्टा लिखना उल्टे वाई वाई उल्टे लिख लो फिर वाई लिख देना उल्टे तो लो समझ कैसे लिखेगा उल्टे वाई की आकार की होती है। उल्टे वाई की आकार के दो भागों में बढ़ जाती है आकार में दो भागों में बट जाती है। बटा है ना देख लो यहाँ से बटा हुआ तो यहाँ पे देख रहा है उल्टे वाई के आकार में दो भागों में बट जाती है दो भागों में बट जाती है। आ जाओ इधर दिखा देते हो। अब उसके बाद कहाँ चले देखो ब्रोकिलोस या वाई कुश लिखेगा लिख लो वाई कुश बता देते हैं वाई कुश ब्रांची छोटे छोटे कई लाखों में बट जाती है छोटे छोटे कई लाखों में बट जाती है जिसे वायु कोश कहते हैं। वायु कोश के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। हो रहा है ना गैसों का आदान प्रदान होता है समझा दिए तो समझ लिया है ना क्या क्या होता है।
और बनाना चाहता है तो इसको बना सकता है यहाँ पे भी थोड़ा सा ना, ये वाला चित्र हुआ बना कर इसके नीचे थोड़ा ठीक रहेगा दिखने में। कि जो सब निर्जीव भी जो जीव होता है शरीर में अगर प्रवेश करता है बैक्टीरिया तो कई इलाकों में छेड़ता है और सीधे निर्माण करता है कई इलाकों में, तो जा करता है कि अपना अपना निर्माण करता है वहाँ पे क्या करता है जाली नुमा संरचना में वायु मतलब कि हवा की जगह पे पानी भर देता है, पानी बना देता है, इसीलिए मृत्यु का क्या होता है मौत हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग फेफड़ा, उसके बाद आएंगे डायफ्राम पे। लिखो फेफड़ा, लिखो ना फेफड़ा कोई बनाना जरूरी नहीं है, बना चुके हम लोग। ओके ना, दोनों ब्रोकाई से या दोनों ब्रोंची से यही दोनों ब्रोकाई से एक एक फेफड़े अलग होते हैं, दोनों ब्रोकाई से एक एक फेफड़े अलग होते हैं और फेफड़ा दोहरी झिल्ली से अलग अलग होते हैं, अलग अलग होती है और फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, घिरी रहती है जिसे वायुपरत या प्लूरा कहते हैं, जिसे वायुपरत या प्लूरा कहते लिखे हुए हैं, जिसे वायुपरत या प्लूरा कहते हैं। दो हजार तीन इसको रेट लेगा ना याद हो जाएगा, सुना दिए अपनों वायु क्या लिखा है वायुपरत या प्लूरा कहते हैं, वायुपरत या प्लूरा कहते हैं। हो गया ना, जिसका आधार डायफ्राम पर टिका होता है, इसका आधार डायफ्राम पर टिका हुआ नीचे देख लो, जिसका आधार डायफ्राम पे टिका होता है, जिसका आधार डायफ्राम पे टिका होता है, हो गया ना बॉ। अब लिखते हैं हम लोग डायफ्राम का क्या क्या विधि होता है, लिखिए डायफ्राम, नली डायफ्राम कहाँ है हम लोग का, या डायफ्राम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाने हैं, नसिका पहले नंबर पे था, दो नंबर पे ही था, तीन नंबर पे ट्रेकिया, चार नंबर पे ब्रोंची ना, पांच नंबर पे हम लोग कहाँ आ रहा था वायुकोष, छह नंबर पे हम लोग का आया है फेफड़ा, मान लो इसी को मान लेते हैं छह नंबर पे, सात नंबर पे हम लोग का आ रहा है डायफ्राम। इसको हम समझाएं आप लोगों की अवतल खाच होता है यहाँ पे क्या होता है, हृदय टीका होता है, इसको कोई लिखना जरूरी नहीं होता है ना। यह एक लचीला परंतु मजबूती रचना होता है, यह एक लचीला मजबूती रचना होता है, यह एक लचीला मजबूती रचना होता है जो वक्ष को उदर गुहा को अलग करता है, जो वक्ष को उदर से अलग करता है, उदर मतलब पेट ना देखा है सुनता है, उदर को उदर से अलग करता है कौन डायफ्राम नहीं पता है, रक्त नीचे हम लोग का होता है पाचन शक्ति होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऊपर हम लोग का होता है फेफड़ा होता है, उदर को अलग करता है। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर, यह ऊपर अथवा नीचे की ओर
नीचे की ओर फैल कर वक्ष गुहा का आयतन को बढ़ाता या घटाने का कार्य करता है, बढ़ाना या घटाने का कार्य करता है। ऊपर नीचे मतलब कि फूलता है और पचकता है, ये बढ़ाना, जिसके कारण फेफड़ा चिपकते और फूलते हैं, जिसके कारण फेफड़ा चिपकते और फूलते रहते हैं, जिसके कारण फेफड़ा फूलते और पचकते फूलते और चिपकते हैं, ये पचकते नहीं चिपकते हैं ना। जो फेफड़े का जो रोग होता है ना हम लोग का, थोड़ा जो एलबीडी पाया जा रहा था हम लोग का, जो एलबीडी इसको बोलते हैं, जो वाइकोस है ना, इसी का दूसरा नाम होता है एलबीडी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलबीडी बोलते हैं, इंग्लिश शब्द है इसका ना, वाइकोस हिंदी शब्द है, इसी को एलबीडी बोलते हैं। ये कहाँ बोलते हैं हम लोग, इसका जो रंग होता है थोड़ा पिंक होता है, कैसा होता है, गुलाबी होता है ना, इसको जानना जरूरी ना है, बता दे रहे हैं, इसका जो रंग होता है थोड़ा कैसा होता है, गुलाबी होता है ना।